Hello guys, this is Kushal. Welcome to Kushal Center for Excellence. So guys, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट. सो ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है. सो आज हमारी क्लास 9 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू होने जा रही है. सो चलिए, ये चैप्टर फर्स्ट है. सो ज्योग्राफी एनसीईआरटी में क्लास 9 की कुछ भी नहीं है. जैसे हम 6 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब चीज़ें हैं. 6 में जो हमने पढ़ा है, 7th में जो हमने पढ़ा है, 8th में जो हमने पढ़ा है, अब 9th में भी हम वही पढ़ने वाले हैं. यानी कि हमारे इंडिया के बारे में ज्योग्राफी में दिया रखता है और अर्थ के बारे में. सो हम क्या अपने इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं फिर से. सो ये चैप्टर फर्स्ट क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन. क्या? इंडिया साइज एंड लोकेशन. आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, वो साइज और उसकी लोकेशन के बारे में. सो देखिए, अब इंडिया क्या है? इंडिया इज ए एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया क्या है? एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का, ठीक है. अब देखिए, तो इंडिया जो है हमारा, इंडिया की पहले हम बात करते हैं लोकेशन की. किसकी लोकेशन की? लोकेशन में देखिए आप, इंडिया की लोकेशन में इंडिया कहाँ हो सकता है? अब देखिए, इंडिया का है एक, जैसे मान लीजिए हमारी, ये क्या है हमारा पूरा वर्ल्ड का, अब यहाँ पे ये हमारी अर्थ है. अब पहले, अब देखिए, इंडिया क्या है हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. अब हेमिस्फीयर क्या होता है? अब देखिए, जैसे हमारी ये अर्थ है, सो इसको ये क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर. क्या है? इक्वेटर. यहाँ लिख देते हो इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है. ये क्या कर रही है? अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. एक पार्ट ये है नॉर्थ का, नॉर्थ पोल यहाँ पे लिख देता हूँ, या साउथ पोल, ठीक है. दो पार्ट है, एक ये पार्ट है नॉर्थ का, एक साउथ का. ये हमें क्या कर रही है? दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. सो जो ये इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्या कहेंगे? एनएच, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर. एसएच, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर. अब इस अर्थ में हमारा इंडिया का हो सकता है. सो अब ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जाती है यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ यहाँ पर हमारा इंडिया है. मान लिया कि हमारा जैसे कि इंडिया है, अब ये इंडिया है हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो इसको क्या कर रही है? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है इंडिया को. एक ये इतना पार्ट ये, और एक इतना पार्ट यहाँ का, ठीक है. दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती है हमारी ये क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर, ठीक है. अब यहाँ देखिए, जो हमारी इंडिया है वो लैटिट्यूड से कितना है? लैटिट्यूड से कितना है? 8 degree 4 minutes नॉर्थ एंड 37 degree 6 minute नॉर्थ. और लॉन्गिट्यूड से कितना है? लॉन्गिट्यूड से कितना है? लॉन्गिट्यूड से है 68 degree 7 minute हमारा ईस्ट, और 98 degree 25 minute ईस्ट. अब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है? चलिए देखते हैं. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होती है, यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में. तो चलिए देखते हैं, ये क्या है हमारी, जैसे कि अर्थ होती है, अर्थ है हमारी ये अर्थ. अर्थ में क्या होती है? कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है. क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस. जैसे ये क्या है हमारी? इमेजिनरी लाइंस है. ऐसे ये इमेजिनरी लाइंस होती है अर्थ में. इमेजिनरी लाइंस यानी कि किसी को ये दिखती नहीं है. इमेजिनरी लाइन, अगर आप चाहें तो यहाँ अर्थ में ढूंढते चले गए कि ये लाइन क्या है, तो ये आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि ये दिखती नहीं है. ये क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइन होती है. क्या होती है? इमेजिनरी लाइन. इन्हें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं. अब इसमें लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, लैटिट्यूड कहाँ पर है? अब ये जो आपको ये लंबी लंबी सी ऐसे आपको खड़ी है, सीधी सीधी सी जो दिख रही है, ये क्या है हमारी? लॉन्गिट्यूड. क्या है? लॉन्गिट्यूड. और ये जो हमारी लेटी लेटी सी जो आपको देख रही है, यानी कि मतलब जो ऐसे ये लेटी लेटी सी जो आपको इमेजिनरी लाइंस दिख रही है, ना, कहते हैं लेटिट्यूड. लेटी क्या कहते हैं? लेटिट्यूड. समझ में आ गया लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड. सो अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होती है? जो ऐसे होती है हमारी, और ये जो लैटिट्यूड होती है वो ऐसे होती है लेटिट्यूड सी.
ये क्लियर हुआ आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है? अब इसके बाद लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आ गया। लैटिट्यूड हमने क्या बताया था? लैटिट्यूड मैंने बताया था 8.4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट क्या नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड क्या बताया था? 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट ईस्ट टू 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी पता चल गया अब आपको। सो अब मैंने ये भी बता दिया आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती है, हमारी इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे हमारी मान लिया कि इंडिया है हमारा, यहां से हमारा इंडिया है, ऐसे ये हमारा इंडिया है। हमारा ये इंडिया है, इंडिया से अब क्या कर रही है यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ये जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रही है? दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती है इंडिया को। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती है इंडिया को। ठीक है, अब ये एक पार्ट क्या है? नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, अब ये साउथ वाला पार्ट जितना ये सब क्या है यहाँ पे? वाटर है। यहाँ पे क्या है? सब वाटर है। यहाँ पे जो ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है? ये हमारा सब यहाँ पे लैंड है हमारा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस साइड है अरेबियन सी, अरेबियन सी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद आता है लोकेशन, तो हमने पढ़ ली इंडिया साइज एंड लोकेशन में से, लोकेशन हमने पढ़ लिया। अब आता है साइज, साइज की बात करते हैं इंडिया में साइज, साइज क्या देखता है चलिए देखते हैं। देखिए साइज, साइज में क्या दे रखा है हमें? सो अब द लैंडमास ऑफ इंडिया एंड एरिया, लैंडमास जो है इंडिया का वो कितना है? टोटल 3.8 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना? लैंडमास इंडिया का लैंडमास जो है, लैंडमास ऑफ इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें इंडिया की कितनी परसेंटेज है? 2.4% है। कितना एरिया ऑफ एन वर्ल्ड के एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ एन वर्ल्ड के एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितना है? 2.4% एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी इंडिया है, इंडिया क्या है? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। सो अब जो सिक्स जो है पहले की सिक्स कंट्री वो क्या क्या है, सो उनके लिए एक क्या, एक फॉर्मूला है हमारा क्या? रुकुक भाई कैसे? RCUCBAI रुकुक भाई, ये हो गया। अब आर माने रशिया, आर का मतलब होता है रशिया। और सी का मतलब होता है कैनेडा। यू का मतलब होता है USA। और सी का मतलब चाइना। बी का मतलब होता है ब्राजील। ए का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। और आई का मतलब होता है इंडिया। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे बड़ी क्या होती है? रशिया। सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा इंडिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ी कंट्री जो है पूरे एशिया में वो क्या है? रशिया। फर्स्ट, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ हमारा इंडिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब जो इंडिया में जो लैंड है वो कितना है? कितना लॉन्ग है वो? 15,200 किलोमीटर क्या है हमारा लैंड है इंडिया में, लैंड है। ठीक है,
अब ये क्लियर हो गया आपको। ये तो हमारे इंडिया की साइज की बात कर ली, सेवेंथ लार्जेस्ट पृथ्वी साइज में, और लैंड मास कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब वर्ल्ड में कितना एरिया है इसका, 2.4% एरिया है वर्ल्ड में पूरे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद इंडिया साइज एंड लोकेशन में साइज की भी बात कर ली हमने, लोकेशन की भी बात कर ली। अब इसके बाद क्या आता है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया की बात करी गई है और एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या लगता है। अब देखिए वर्ल्ड में जो है हमारा एशिया, मान लिया ये हमारा पूरा एशिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा इतना इंडिया है, यहाँ पे क्या है, अब इंडिया यहाँ पे, अब ईस्ट वेस्ट में जो है ये क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट, ये सेंट्रल एशिया, इसे हमारा क्या माना जाता है, हमें सेंट्रल एशिया माना जाता है हमारा, क्यों, क्योंकि ये क्या है ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे दिया ईस्ट वेस्ट के बीच में है, अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के, ईस्ट और वेस्ट के बीच में है, ईस्ट वेस्ट के बीच में है यहाँ पे, और क्या है इंडिया हमारा साउथ में भी है, ठीक है, यहाँ ईस्ट और वेस्ट के बीच में भी है और साउथ में भी है हमारा इंडिया, इसलिए इसे क्या माना जाता है, हमारा सेंट्रल एशिया माना जाता है इंडिया को। और इंडिया में जो, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में बात करें तो आपकी लैटिट्यूड से बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से बात करें तो ईस्ट में है, लॉन्गिट्यूड ये ईस्ट में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से बात करें तो यहाँ ईस्ट में है और यहाँ वेस्ट, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ। और अगर लेटिट्यूड से बात करें, लेटिट्यूड से बात करें तो, लेटिट्यूड से बात करें तो ये है लेटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर वाला लेटिट्यूड, तो कहाँ पर है, नॉर्थ में, नॉर्थ में है, ठीक है, क्लियर हुआ, राइट। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए मान लिया कि अब हमें क्या करना है, इंडिया एंड द वर्ल्ड में ही ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से ही इंडिया जाना है हमारा ये पूरा, देखिए इंडिया हमारा, सही से नहीं बना अभी, जाइए देखिए छोटा सा बनाते हैं, चलिए देखिए अब हमारा यहाँ पे इंडिया सही से बनाते हैं, ये बन गया हमारा इंडिया यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया, मान लिया कि हमारे अभी अभी के लिए हमारा इंडिया बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जो इतना है ये क्या है, ये हमारा यहाँ से जो ये हमारा ये क्या है लॉन्गिट्यूड से, और ये जो है ये हमारी लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड में यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है 8.8 डिग्री 0.4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है 37 डिग्री 0.6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे जो है ये 68 डिग्री 0.7 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ओ सॉरी नॉर्थ नहीं ईस्ट, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये 98 डिग्री 0.25 मिनट ईस्ट, ये है, ठीक है, ये हो गया। अब ये पता चल गया, अब यहाँ से जो ये जो 68 डिग्री टू 98 डिग्री का जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस ज्यादा है, वो कितने किलोमीटर, वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है, और जो ये 37 डिग्री टू 80 डिग्री तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारा 3214 किलोमीटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, राइट, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये तो हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड हो गया, अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा, लास्ट टॉपिक में क्या देखता है हमें, इंडिया एंड नाइबर्स, चलिए आप कर देते हैं दोबारा से बना लेंगे इंडिया में, तो अभी की ये हमारा बनता है इंडिया, इंडिया एंड नाइबर्स की बात हो रही है ना, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है, इंडिया एंड द नाइबर्स, अब देखिए यहाँ पे इंडिया एंड द नाइबर्स, इंडिया और इसके नाइबर्स की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया और उसके नाइबर्स की, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इंडिया एंड द नाइबर्स, अब इंडिया में जो है, इंडिया में कितना है 28 तो स्टेट है, स्टेट
और सेवन यूनियन टेरिटरी, यूनियन यूटिलिटेरियन की यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ देखिए जो इंडिया के जो, अब इंडिया के जो लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री से जो मिले हुए हैं, यानी कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री जितनी भी है, अब यहाँ पे देखिए ये है वाटर बाउंड्री, इतना तो ये है। चलिए देखते हैं यहाँ से, ये इतना जो है, ये इतना इतना सब ये वाटर बाउंड्री का है। यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये मैं लाइन बना देता हूँ, इतना क्या है, ये वाटर बाउंड्री का है सब, और ये इतना लैंड बाउंड्री। अब लैंड बाउंड्रीज में जो कौन कौन से कंट्रीज है और वाटर बाउंड्रीज में, यानी कि वाटर में कौन कौन सी नाइबर्स है और लैंड में कौन कौन से नाइबर्स है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है पाकिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये मैं नाइबर्स के नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे है चाइना, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी कहाँ पे है, यहाँ पे ये बांग्लादेश इतना यहाँ पे क्या है, ये यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ पे ये क्या है, सब लैंड पर है, इतना है यहाँ पे ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश कहाँ पर है, यहाँ पे लैंड पर है, ठीक है, और यहाँ पे है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे है म्यांमार, म्यांमार, और जो वाटर है, वाटर में यहाँ पे आपको पता है यहाँ होता है श्रीलंका, यहाँ है मालदीव्स, मालदीव्स, ठीक है, यहाँ मालदीव्स है, यहाँ श्रीलंका, ठीक है, ये हो गया। अब वाटर में कितने हैं, वाटर में टू टू लैंड नाइबर्स है, टू टू नाइबर्स है, टू नाइबर्स है, नाइबर्स, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ वाटर लिख दिया है मैंने, वाटर यहाँ लिख दिया, लैंड, लैंड में कितने, लैंड में सेवन, ठीक है, सेवन नाइबर्स। जो टोटल कितने हुए, टोटल नाइबर्स कितने हैं इंडिया के, नाइन, नाइन नाइबर्स, टोटल नाइन, नाइन नाइबर्स है हमारे इंडिया के, ठीक है, ये क्लियर हो आपका, टोटल नाइन नाइबर्स इंडिया के। तो ये हो गया इंडिया एंड नाइबर्स की बात, सो इतना ही था हमारा टॉपिक। सो गाइस, इस यहाँ इस बार इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे ये क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्या था, फर्स्ट चैप्टर था। सो इसमें हमने भी पढ़ा इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस करा। सो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बनते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।